मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हमें गिवन है कोई भी पोजीशन किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें दिखानी है तो हम कैसे उसे यहाँ पे शो करेंगे तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना पड़ता है कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना होता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं है ना किस तरह से हम कॉर्डिनेट्स यहाँ पे देंगे एक पॉइंट के कॉर्डिनेट्स बताएंगे है ना कॉर्डिनेट क्या होगा या फिर अगर बात करें कोई टू पॉइंट्स है ना तो टू पॉइंट्स इनके बीच के अगर हमें डिस्टेंस यहाँ पे मीजर करनी है तो कैसे मीजर करेंगे है ना इन दोनों पॉइंट्स के हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो कैसे हम इनके डिस्टेंस मीजर करें या फिर अगर ये कोई मेरे पास लाइन सेगमेंट है तो इसको डिवाइड अगर कोई पॉइंट कर रहा है तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ठीक है है ना तो इस तरह की हमारी जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले ठीक है तो फर्स्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहां डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे सो वन बाई वन करके हम यहां सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स आर कॉल्ड

वो कोऑर्डिनेट्स जिससे हम यहाँ पे बता सके कि ये पॉइंट कहाँ है ठीक है इन दिस चैप्टर वी शेल डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विद रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन द सेम प्लेन सो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये यह प्लेन है ओके okay? अब ये प्लेन है इसके अंदर टू परपेंडिकुलर लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी तो इसमें हम इसे कहेंगे एक्स एक्सिस और इसे कहेंगे वाई एक्सिस ठीक है तो जो एक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं पे डिग्री का एंगल बनाते हैं और यहां यह है हमारे पास क्या जीरो इसको हम क्या बोलते हैं ओ पॉइंट जिसे हम कहते हैं ओरिजन राइट इसके कोर्डिनेट क्या होते हैं जीरो कोमा जीरो जैसे मेरे को यहां पे अगर कोई पॉइंट यहां प्लॉट किया हुआ है ठीक है इस पॉइंट की अगर मुझे पोजीशन बतानी है एड्रेस बताना है तो मैं टू नंबर से इसे डिनोट करूंगी कैसे टू कोमा थ्री मैंने लिख दिया अब ये टू कोमा थ्री मैंने लिख दिया तो ये टू और थ्री यहाँ पे इसके क्या हो गए कॉर्डिनेट्स हो गए सो so, यहाँ से ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो नंबरिंग होती होती है वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से नंबरिंग की होती है इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से नंबरिंग हुई होती है सो so, यहाँ हम क्या करते हैं देखो जैसे ये मेरे पास पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए कोऑर्डिनेट्स मतलब

एक्स और वाई एक्सिस बताया तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं सो so, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है एक्सिस क्या होता है कौन से एक्सिस को क्या कहते हैं है ना किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स के नेम देंगे सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टू रियल नंबर से जब हम किसी पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं राइट सो टू रियल नंबर से ये हमारे टू कोमा थ्री हो सकता है माइनस टू कोमा थ्री हो सकता है जीरो माइनस थ्री कोमा जीरो भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं तो टू पेयर में अगर इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं देन वो क्या होंगे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे ओके okay? सो so आपको कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स समझ आ गए होंगे नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सो लेट पी बी एनी

है ना और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई पॉइंट है P है ना अब ये पॉइंट है हमारे पास P तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे क्या X और Y कैसे देखो थ्रू द पॉइंट P ड्रॉप P एम परपेंडिकुलर टू X O X डैश एंड P एम परपेंडिकुलर पेंडिकुलर तो Y ओ वाई डैश तो उसके पहले आप ये देखिए ये हमारा X एक्सिस हो गया और इधर वाले को हम बोलते हैं X डैश यहाँ ऊपर ये यह Y हो गया नीचे हो गया Y डैश यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे इधर नेगेटिव होंगे यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होंगे यहाँ नेगेटिव नंबर होंगे ये कुछ इस तरह से शो होता है अगर आप ग्राफ पेपर पे देखेंगे ये हो गया ओ ठीक है ये y डिश ये y ये x और ये x डश ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे है ना यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे यहाँ नेगेटिव नंबर्स होंगे ठीक है तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव सो तो यहां पे ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे राइट तो ये हमारा कार्टेशन प्लेन होता है सो दिस इज द कार्टेशन प्लेन अब इस कार्टेशन प्लेन में मेरे पास कोई पॉइंट है P, ठीक है ये पॉइंट ले लिया हमने हमने P. P अब से क्या क्या किया x x x x एक्सिस 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 जो हमारे पास x o डैश x कहा गया है वो ही क्या है x है वही तो इस एक्सिस पे हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी एम राइट तो पी एम परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉप कर, कर दिया और पी एन परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया सो दिस इज द परपेंडिकुलर ठीक है तो ये हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हो गए पी एन और पी एम राइट और यहां से अगर हम डिस्टेंस देखें तो पी एम की डिस्टेंस है वाई और पी एन की डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स राइट सो वी हैव ओ एम इज इक्वल टू पी एन है ना तो ओ एम हमारा जो है वो पी एन के इक्वल है और जो पी एम है वो हमारा ओ एन के इक्वल है सो so अगर पी एम हमारा वाई है तो ओ एन भी वाई होगा और पी एन हमारा एक्स है तो ओ एम भी हमारा एक्स होगा राइट बिकॉज सेम टू सेम है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सो so ये और ये हमारे इक्वल होंगे सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स ओके तो अगर पी की डिस्टेंस देखें हम वाई एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस देखो आप यहाँ वाई एक्सिस से तो कितनी है एक्स और पॉइंट पी की डिस्टेंस देखें हम एक्स एक्सिस से तो कितनी है वाई ये हमने अज्यूम कर लिए यहाँ सो एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सीसा ऑफ द पॉइंट पी सो यहाँ पे हम जो हमारी Y से जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एपसीसा बोलेंगे या फिर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को एपसीसा कहा जाता है क्या कहा जाता है एपसीसा ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट को एपसीसा कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं वाई एक्सिस से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम एपसीसा कहेंगे सो so अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे दिए मैंने ये ए पॉइंट है लिखा है टू कोमा थ्री तो इस पॉइंट का एफ आपको बताना है तो कैसे बताएंगे आप टू एक्स वाला कोऑर्डिनेट बता दो तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा जाएगा so सो ये हो गया सी अब बात करते हैं हम वाई एक्सिस की कि वाई के लिए हम क्या कहेंगे सो so वाई के लिए हम क्या कहेंगे देखो हमारा ओ एन जो था मैंने अभी आपको बताया ओ एन हमारा पीएम के इक्वल है ठीक है एंड जो x एक्सिस से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कैसी है हमारी y है है ना द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस वो कितनी है y है अभी हमने यहाँ पे देखा था ठीक है x एक्सिस से p पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y होगी y एक्सिस से p पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x होगी ओके सो so यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस से p की डिस्टेंस कितनी है y है और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे ऑर्डिनेट कहेंगे क्या कहेंगे ऑर्डिनेट जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा उसको ऑर्डिनेट कहेंगे और x वाले कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे हम यहाँ पे एप्सिसा कहेंगे सो so अगर यहाँ पे हमारे पास में 2 पॉइंट से x, y तो इसके अंदर ये वाला तो हमारा हो जाएगा क्या एब्सिसा और ये वाला हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट तो आपको ध्यान रखना है x वाले कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं एब्सिसा कहते हैं और y वाले कोऑर्डिनेट को हम यहाँ क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं सो so, y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p आप कह सकते हैं इसे राइट सो थस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p एंड ऑर्डिनेट तो यहां पे अगर आपको कोई भी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखने ठीक है अब एक्स और वाई क्या है कोई भी पी पॉइंट जो हमारा है देखो अगर यहां एक्सकोमा ये p पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं हमारे एक्सकोमा y तो इसका मीनिंग क्या है देखो यहां पे, ये p की जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है वाई है और यहां पे y एक्सिस से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x है इसका मीनिंग हमारे पास में ये है राइट यही मैंने अभी आपको समझाया तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक पॉइंट को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे टू पेयर से तो उसमें फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा है ना फर्स्ट एक्स होता है सेकंड होता है वाई मींस फर्स्ट होगा एफ एंड सेकंड वाला होगा ऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस वाला जो कॉर्डिनेट है हमारा वो हम पहले लिखेंगे और वाई वाले को हमेशा बाद में लिखेंगे ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो ये था हमारा यहाँ पे कार्टेशन प्लेन और कार्टेशन प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सो so, वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा एंड वाला कोऑर्डिनेट होगा हमारा ऑर्डिनेट तो so, अगर आपसे पूछा जाए कोई भी पॉइंट लिखा है माइनस वन कोमा माइनस टू तो यहाँ पे ऑर्डिनेट और एफसीसा क्या होंगे एफसीसा होगा माइनस वन एंड ऑर्डिनेट होगा हमारा क्या माइनस का टू क्लियर सो इस तरह से आप यहाँ पे इसे बता सकते हैं नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास में क्वाड्रेंट अब क्वारेंट्स क्या होंगे देखो अभी हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन जो बनाया वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना इसी तरह का मैंने बनाया था ये जो मेरे पास में कार्टेशियन प्लेन है है ना इसको मैंने यहाँ पे कैसे इसी तरह से बनाया ये टू परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे ड्रॉप कर दी ठीक है ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा वाई एक्सिस सो तो ये एक्स एक्स डिश वाई और वाई डिश राइट right? तो ये फोर ये जो प्लेन है मेरा ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया सो so इसको क्या बोलते हैं, जो में बोलते हैं so quadrant, 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 so जब हम यहाँ पे इस तरह से क्वाड्रेंट्स बनाते हैं तो ये होता है हमारा वाई ये होता है वाई डिश ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डिश तो यहाँ पे ये यह पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन है ना जीरो कोमा जीरो एंड यहां होगा वन टू थ्री सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एंड यहाँ नेगेटिव नंबर्स आएंगे ठीक है एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे ओके अब देखो यहाँ पे अब ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों कैसे हैं एक्स और वाई पॉजिटिव है ना यहाँ देखो दोनों हमारे कैसे हैं एक्स वाला और वाई वाला एक्स वाला तो नेगेटिव है देखो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव नंबर्स लिख रहे हैं तो आप नेगेटिव लिखो और वाई एक्सिस पे देखो हमारे पास में पॉजिटिव है तो आप यहाँ पॉजिटिव लिख दो अब थर्ड वाले को नेगेटिव तो लिख दो ये देखो, यहां X है लेकिन y क्या करेंगे क्वाड्रेंट्स को सो so, यहाँ पे हमने क्या किया इन्हें फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया किस तरह से इन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये कार्टेशियन प्लेन फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट coordinate में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट coordinate में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं एक्स वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ वाले में एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव होता है राइट सो द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ एक्स डिश एंड वाई ओ वाई डिश डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू फोर रीजन ये जो प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको फोर रीजन में डिवाइड करता है ओके okay? तो ये फोर रीजन में जो डिवाइड हुआ है उन्हें हम क्या बोलते हैं क्वाडेंट बोलते हैं आर रीजन एक्स ओ वाई वाई ओ एक्स डिश एक्स डिश ओ वाई डिश एंड वाई डिश ओ एक्स आर रेस्पेक्टिवली नॉन एज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओके तो यहां मैंने आपको बता दिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थर्ड सॉरी ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट राइट सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में जो एक्स है एक्स वाला जो हमारा पॉइंट है एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा एंड वाई वाला कोऑर्डिनेट जो है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा एंड सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास में जो एक्स है वो नेगेटिव होगा मीन्स जीरो से लेस देन होगा एंड वाई हमारा क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा हमने यहाँ पे लिखा है देखो ये देखो ओके okay. थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास में देखो यहां ये दोनों पॉजिटिव हो गए यहां एक्स वाला नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव हो गया यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में x वाला पॉजिटिव हो जाएगा एंड y वाला नेगेटिव हो जाएगा सो so, आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे राइट right? तो ये था हमारा क्वाड्रेंट

है ना कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं कितने कहाँ पे आ, हम आ, कैसे इसको कोऑर्डिनेट हम बताएंगे पॉइंट्स को कैसे एड्रेस करेंगे एक्स और वाई से करते हैं अब अगर हमारे पास टू पॉइंट्स हैं ठीक है थीके? अगर टू पॉइंट्स हमारे पास में है तो उन टू पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे यहाँ पे मीजर करेंगे तो उन टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मीजर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है एक फॉर्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं राइट सो लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P X1 Y1 and Q X2 Y2. So यहां two points हैं हमारे पास में P और Q. तो so, P वाला जो हमारा point है उसके coordinate है X1 Y1 and यहां Q वाला जो हमारा point है उसके coordinate से X2 Y2. तो so, देखो यहां पे abscissa और ordinate क्या होंगे? Q में देखो X2 तो abscissa हो जाएगा and Y2 क्या हो जाएगा? Ordinate हो जाएगा. So यहां पे किसी भी point के लिए आप abscissa और ordinate बता सकते हैं. अब देखो हम क्या करेंगे? हमने एक graph बना लिया. ये रहा हमारे पास एक्स एसिस और ये रहा हमारे पास वाई एक्स राइट अब यहां हमने टू पॉइंट्स लिए ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2 ओके okay? एंड ये था हमारे पास पी क्यू टी ये पी क्यू टी कैसे बना देखो ये P पॉइंट ये Q पॉइंट हमने क्या किया P से R P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फिर Q से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और

राइट right. सो so, आगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए फिर तो एक और हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी से क्यू एस पे जो किस पे मिलता है टी पे राइट right? तो यहाँ पे क्यू पी टी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ओके देन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स वन

हमारे पास में ओ आर ये कितनी होगी ओ आर जो हमारे पास है वो होगी एक्स वन और ये जो ओ एस डिस्टेंस है हमारी ये कितनी होगी एक्स टू और क्यू एस जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी होगी वाई टू तो इसलिए हमने यहां पर पीटी की डिस्टेंस क्या लिख ली है पीटी की डिस्टेंस लिखी हमने एक्स टू माइनस एक्स वन ये एक्स टू है ना और ये हमारा x1 हो गया तो इसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो x2 टू माइनस एक्स लिख दिया और ot की हमने डिस्टेंस लिख दी y2 टू माइनस वाई तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास सॉरी QT QT की डिस्टेंस कितनी आ गई y2 टू माइनस वाई वन राइट कर सकते हैं फाइन तो ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइन कर ली अब हमारे पास pqt कैसा हो गया है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अब ये अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे पी क्यू टी जो हमारे पास या फिर PTQ क्यू कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे सो so, क्या हो जाएगा देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू क्या हाइपोटेनियस है एंड PT स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सो यहाँ से PT की और क्यू टी की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी आ जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन और यहां से वाई टू माइनस वाई वन ठीक है दोनों वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास एंड प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर सो ये था हमारे पास में क्या डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये फाइंड हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू पी क्यू क्या है हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस P और Q जो हमारे पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइन करनी है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यहां डेराइव कर लिया क्या अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन जहां पे हमारे पास पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है एक्स वन वाई वन है एंड क्यू के जो कॉर्डिनेट्स है वो क्या है एक्स टू वाई टू है ओके okay? तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है तो अगर कोई भी टू पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे कैसे फाइंड करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास दोनों पॉइंट्स होंगे बस वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड हो जाएगी सॉल्व करके अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओरिजिन से कि ओरिजिन से किसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी कैसे आया ये देखो हमारे पास में है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है और दूसरा क्या है हमारे पास में ओरिजन जिसके कोऑर्डिनेट क्या है जीरो अब देखो इस वाले फॉर्मूला में आप ये वैल्यू पुट करो देखो ओपी हमारे पास पॉइंट हो गए अब देखो यहां पे हमारे पास में ये हो गया एक्स वन और ये हो गया वाई वन ये हो गया एक्स टू और ये हो गया वाई टू तो फॉर्मूला क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन तो देखो एक्स टू कितना है वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू की वैल्यू कितनी है जीरो और y1 की वैल्यू कितनी है यहां से हमारे पास में y, सो वैल्यू पुट कर दो और ये इसका स्क्वायर कर दो सो इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट देखो जीरो माइनस एक्स मतलब -X का स्क्वायर कितना की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई एक्स स्क्वायर आ गई तो अगर आपके पास में कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस पूछी गई है ओरिजिन से तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ओके तो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया टू कोमा माइनस थ्री इसकी ओरिजन से आप डिस्टेंस बताओ है ना ओरिजन से डिस्टेंस बताओ तो क्या करेंगे हम ओप ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो यहां से x का x वाला कोऑर्डिनेट क्या है टू का स्क्वायर y वाला कोऑर्डिनेट क्या है माइनस थ्री तो इसका स्क्वायर कर दो सो so, ये कितना हो जाएगा फोर प्लस So, की so, हेल्प so, से आप डायरेक्ट तो फाइंड कर सकते हैं ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की रीड नहीं होगी डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए ओके सो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे राइट right? सो so, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सो डू द पॉइंट थ्री कोमा टू माइनस टू कोमा माइनस थ्री टू कोमा थ्री फॉर्म अ ट्राइंगल इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म आपको यहां पे थ्री पॉइंट गिवेन है वन टू थ्री ये थ्री पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं तो इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को पहले नेम दे देंगे ओके सो लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्यू आर और पी आर वेयर इस पॉइंट को P नाम दे दिया इस पॉइंट को Q नाम दे दिया और इस वाले पॉइंट को R नाम दे दिया राइट right? तो ये हमारे पास देखो P Q R इस तरह से हमारे पॉइंट हो गए तो हम pq qr और rp के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे pq pq फाइंड करो qr फाइंड करो फिर pr फाइंड करो ठीक है तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा राइट तो सबसे पहले pq फाइंड करते हैं सो तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जैसा कि आप सभी को पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हमारे पास में यहां हम अप्लाई करेंगे x2 एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ठीक है यही फॉर्मूला होता है यही अप्लाई किया गया है सो पी क्यू पॉइंट में देखो ये हो गया हमारा एक्स वन ये हो गया हमारा वाई वन ये हो गया एक्स टू ये हो गया वाई टू सो यहाँ से हमने एक्स टू माइनस एक्स वन करा सो so, देखो सॉरी एक्स वन माइनस एक्स टू या तो कुछ भी कर सकते हैं आप एक्स टू माइनस एक्स वन भी कर सकते हैं और एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हैं हमारे फॉर्मूला पे या फिर हमारे आंसर पे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं पे एक्स वन माइनस एक्स टू कर लो बस दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है राइट सो so, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस हो गया फिर यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू करेंगे तो टू माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का थ्री हो गया सो थ्री प्लस टू हो गया फाइव टू प्लस थ्री हो गया फाइव फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर सो so, कितना आ गया अंडर रूट फिफ्टी आ गया सो so, ये अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी हमें सेवन पॉइंट जीरो सेवन ओके फिर इसी तरह से क्यू आर आप फाइंड करेंगे सो क्यू आर फाइंड कर लीजिए अब क्यू आर में देखो ये हमारे पास अब एक्स वन वाई वन हो जाएंगे और ये एक्स टू वाई टू हो जाएंगे सो so, यहाँ पे देखो एक्स टू और एक्स वन

कितनी मिलेगी सेवन पॉइंट टू वन ठीक है अब नेक्स्ट है हमारे पास पी आर पी आर को भी सेम इसी तरह से आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है सो दिस इज एक्स वन एक्स वन और ये हो जाएगा सॉरी दिस इज एक्स वन वाई वन दिस इज एक्स टू वाई टू राइट अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी वन पॉइंट फोर वन तो एप्रोक्स वैल्यू कितनी मिल गई 1.41 मिल गई अब आप यहाँ पे देखो ये आ रहा है 7.07 ये आ रहा है 7.21 और ये आ रहा है 1.41 तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रायंगल अगर बनाना है है ना थ्री साइड आपको दिवन हो गिवन हो और आपको चेक करना हो कैसे ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है तो कैसे चेक करेंगे आप सो so उसके लिए हमें क्या करना होता है देखो हम क्या करते हैं सम करते हैं टू साइड्स का ओके सो टू साइड्स का सम यहाँ पे करेंगे सो सिंस द हमारे पास में जैसे ये रही कोई भी टू साइड्स का सम ले लो है ना और वो थर्ड वाली से ग्रेटर होनी चाहिए तो कोई भी टू साइड्स का सम ले लो थर्ड वाली से ऑलवेज ग्रेटर आएगी तो आपका ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है तो देखो यहाँ पे सम करो है ना सेवन पॉइंट टू वन है ना और ये फोर पॉइंट वन पॉइंट फोर वन है दोनों को सम करो टू सिक्स और एट ग्रेटर आ रहा है थर्ड वाली से या फिर इन दोनों का कर लो कोई भी एक का आ जाए बस ग्रेटर तो आपका ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा राइट सिंस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस दे आर फॉर द पॉइंट वीक यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल सो ऑल्सो

तो हमारे पास में पूछा गया था कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है वो कैसा ट्राइंगल है पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्राएंगल होगा वो हमने कैसे फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई करके सो तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई की और वो वेरीफाई हो रही है ठीक है तो आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं वो वेरीफाई करेगी तो हमारा ये जो ट्राएंगल है वो कैसा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो यहां पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके एक अलग टाइप का क्वेश्चन किया तो इसी तरह से हम आगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू